किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पिछले उदाहरण में ऐसी परिस्थिति में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की गई थी जिसमें रेखा अंतराल AB, CD अथवा PQ या तो ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज। किंतु यदि दो बिंदु ऐसे हों जो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखा अथवा उनके समांतर रेखा पर न हो, यानी ऐसा रेखा अंतराल हो जो न तो ऊर्ध्वाधर हो न ही क्षैतिज, तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? आइए एक उदाहरण देखें। उदाहरण 4, बिंदुओं A यानी 1-2 और बिंदु B यानी 4-6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हल, बिंदु A से x अक्ष के समांतर रेखा खींचिए, इसी तरह बिंदु B से y अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हैं। दूरी AC बराबर 4-1 यानी 3 इकाई और दूरी BC बराबर 6-2 यानी 4 इकाई। त्रिभुज ABC में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से हमें मिलेगा AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग। ये होगा 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 9 धन 16 बराबर 25। दूरी AB बराबर 5 इकाई। व्यापक परिस्थिति में दूरी निर्देशांक समतल में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा तरीका चाहिए जो हर तरह की दूरियों पर लागू हो। हम Q और P के बीच की दूरी निकालेंगे। मान लीजिए बिंदु P के निर्देशांक x1, y1 और Q के निर्देशांक x2, y2 हैं। समकोण त्रिभुज PRQ में दूरी PR बराबर x2-x1, दूरी QR बराबर y2-y1। समकोण त्रिभुज PRQ में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग धन QR का वर्ग बराबर x2-x1 पूरे का वर्ग धन y2-y1 पूरे का वर्ग। PQ बराबर वर्गमूल के अंदर x2-x1 पूरे का वर्ग धन y2-y1 पूरे का वर्ग। चूंकि x1-x2 पूरे का वर्ग और x2-x1 पूरे का वर्ग बराबर हैं, इसलिए हम बिंदु P से बिंदु Q की दूरी ज्ञात करें या बिंदु Q से बिंदु P की दूरी ज्ञात करें, परिणाम में अंतर नहीं पड़ेगा, अर्थात दूरी PQ बराबर दूरी QP। यह निर्देशांक समतल पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण 5, बिंदुओं P यानी 2-3 और बिंदु Q 5-7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हल, यहाँ x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 5, y2 बराबर 7 है। चूँकि PQ बराबर वर्गमूल के अंदर x2-x1 पूरे का वर्ग धन y2-y1 पूरे का वर्ग, यहाँ हम मान रखें तो हमें मिलेगा वर्गमूल के अंदर 5-2 पूरे का वर्ग धन 7-3 पूरे का वर्ग। इसे हल करने पर हमें मिलेगा वर्गमूल के अंदर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। ये बराबर वर्गमूल के अंदर 9 धन 16 बराबर वर्गमूल 25। इसलिए PQ बराबर 5 इकाई। उदाहरण 6, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A यानी 6-5 और B यानी 4-3 से समदूरस्थ हो। हल,
आप जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु शून्य y के रूप का होता है। अतः मान लीजिए कि बिंदु P शून्य y बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, तब PA बराबर PB। PA बराबर हम लिखेंगे 6 ऋण शून्य पूरे का वर्ग धन 5 ऋण y पूरे का वर्ग बराबर PB के लिए लिखेंगे ऋण 4 ऋण शून्य पूरे का वर्ग धन 3 ऋण y पूरे का वर्ग। हल करने पर हमें मिलेगा 36 धन 25 धन y वर्ग ऋण 10 y बराबर 16 धन 9 धन y वर्ग ऋण 6 y। इसलिए 4 y बराबर 36 और y बराबर 9। अतः अभिष्ट बिंदु 0, 9 है।